उदयपुर में बदमाशों का खौफ, पहले लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया, फिर बाप बेटी से शुरू कर दी लूटपाट, विरोध करने पर बेटी के सामने की पिता की हत्या, हत्या से इलाके में सनसनी। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में सड़क पर बिखरा ये खून साफ साफ गवाही दे रहा है कि बदमाशों ने किस कदर निर्मम तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। घटना स्थल पर पुलिस हत्या का सुराग चुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। ठीक, मैं अभी ठीक उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे बदमाशों ने लिफ्ट देने के बाद में जो शर्मा है उनकी चाकू गोप की हत्या कर दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो वो खून है वो यहाँ पे गिरा हुआ है। आबकारी विभाग ने LDC के पद पर कार्यरत यशवंत शर्मा अपनी बेटी और नवासे के साथ देर रात अहमदाबाद से उदयपुर पहुंचे थे, तभी गुजरात नंबर की मारुति वैन में सवार बदमाशों ने इन्हें लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाकर बंधक बना लिया। कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों ने उनसे मारपीट और लूटपाट शुरू कर दी। इसके बाद बेखौफ बदमाशों ने माली कॉलोनी के पास बेटी और नवासे के सामने ही पिता की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाशों ने बेटी से भी लूटपाट की और कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी से उतारकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस मामले में अहम सुराग हाथ लगने का दावा कर रही है। जब इन्होंने नीचे उतरने के लिए सख्ताई की, इसी दौरान जो है आगे गाड़ी ले जाके जो नई सड़क बन रही है उस सड़क पे रोक के ड्राइवर के साथ जो अन्य तीन आदमी थे उसमें से आगे की सीट पे बैठे हुए उस व्यक्ति ने नीचे उतरा और नीचे उतर कर इनसे छीना झपटी और लूट की वारदात करने लगा। अपने पिता की हत्या के बाद परिवार वालों में मातम पसरा है। मृतक के बेटे ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ऑटो वगैरह कुछ मिला नहीं है, टैक्सी वाले ने लिफ्ट ऑफर करी पैसे के ऊपर, मतलब दो लोग और सवारी बताई कि सवारी है, क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप उदयपुर है तो वो आगे गए तो उनको रास्ता पता था घर का, तो उसने रॉन्ग टर्न लिया तो माय फादर ऑब्जेक्टेड और फिर उसने निकाल के ही स्टैब्ड। वहीं गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भी घटना पर दुख जताया है। जो हादसा हुआ है मेरे हिसाब से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर आइडेंटिफाई हो जाएं। उदयपुर में जिस तरह बदमाशों ने हत्या और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया उससे इलाके के लोगों में डर पैदा हो गया है। पुलिस आसपास के इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाश कानून की गिरफ्त में आ सके, लेकिन इस घटना ने पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़ा कर दिया है। अविनाश जगनावत, Zee Media, उदयपुर।